जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है आप सभी का रूमर स्मार्टफोन्स के एक नए एपिसोड में, जहां पर मैं आपको उन सारे स्मार्टफोन्स के बारे में डिटेल में बताता हूं जो अभी तक लॉन्च नहीं हुए हैं और ज़्यादातर मेरे इन्फॉर्मेशन आगे चल के सही हो जाते हैं, ऑफिशियल बन जाते हैं वो। आज का हमारा टॉपिक है OnePlus Nord 3। ये स्मार्टफोन कब तक इंडिया में लॉन्च होगा, इसका क्या प्राइस हो सकता है इंडिया में, कैसे स्पेक्स प्रोवाइड करेगा, कैसा दिखाई देता है, सब कुछ पता चल गया। चलो सब कुछ आपको बताता हूं मैं। सबसे पहले डिस्प्ले से शुरुआत करते हैं। यहां पर आपको 6.72 इंच का एक फुल एचडी प्लस फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाएगा, एचडीआर 10 प्लस का सपोर्ट, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन, डीसीआई P3 का गैमेट, 398 का पीपीआई देखने को मिल जाएगा, 2160 हर्ट्ज का पीडब्ल्यूएम डीसी डिमिंग भी देखने को मिलेगा और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। बेजल एज डिस्प्ले होगा नॉर्मल से पंच होल के साथ और बहुत ही आपको थोड़ा सा चिन देखने को मिलेगा, तो डिस्प्ले स्पेक्स काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अगर OnePlus Nord 2T से कंपेयर करोगे तो ज्यादा बड़े चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी यहां पर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल जा रहा है, तो अच्छे खासे अपग्रेड्स नहीं लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छे अपग्रेड्स यहां पर करता हुआ दिखाई दे रहा है OnePlus। आई होप सो कि इससे बेहतर हम लोगों को स्पेक्स मिले एक्चुअल में, लेकिन यही स्पेक्स मिलेंगे। कैमरास की बात करते हैं। कैमरास में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा, वही आपको कैमरास मिलेंगे जो आपको OnePlus Nord 2T दे देता है। ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। जो प्राइमरी कैमरा होगा वो सोनी IMX766 के कैमरा सेंसर के साथ होगा, OIS भी मिल जाएगा, 16 का सेल्फी मिल जाएगा सोनी IMX471 कैमरा सेंसर के साथ। अगर इंप्रूवमेंट किया तो सोनी IMX766 के कैमरा सेंसर के जगह पे सोनी IMX766V दे देगा। बस मेन स्पेसिफिकेशंस की बात कर ले तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिल जाएगा UFS 3.1 के शोर सपोर्ट के साथ, LPDDR 5X रैम टाइप भी देखने को मिलेगा जो काफी ऑसम बात है, 5000 mAh बैटरी मिलेगा 80 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ, नहीं तो 100 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ। एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा ऑक्सीजन OS 13 के साथ और रूमर्स तो ऐसे उड़ते उड़ते आए थे कि 3 साल तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट देगा। अगर ऐसा हो गया ना यार मजा आ जाएगा, रूमर्स था बता दिया। NFC भी है, Wi-Fi 6 भी है, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 भी आपको मिल जाएगा, VC लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ आएगा और प्यारा दुलारा अलर्ट स्लाइडर भी मिल जाएगा, तो मेन स्पेसिफिकेशंस अच्छे वाले मिल जाते हैं आपको। और अगर किस्मत अच्छी रही तो IR ब्लास्टर भी दे देगा OnePlus, जो कि नहीं देता है किस्मत अच्छी रही तो। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, यहाँ पर बहुत ही मस्त अपग्रेड करेगा OnePlus, MediaTek Dimensity 9000 प्रोसेसर दे देगा, MediaTek का प्रीमियम फ्लैगशिप प्रोसेसर, 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, माली G710 MC10 का GPU मिल जाएगा, मतलब कि एकदम अल्ट्रा ग्राफिक्स पे गेमिंग करोगे परफॉर्मेंस का लेवल ही अलग होगा, एकदम बहुत ही तगड़े तरीके से आपका स्मार्टफोन वर्क करेगा। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ टेक न्यूज में, एक हफ्ते से बता रहा हूँ। OnePlus Ace 2V चाइना में 7 मार्च को लॉन्च हो रहा है, वही स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट्स में और हमारे इंडियन मार्केट्स में लॉन्च हो जाएगा OnePlus Nord 3 के नाम से। डिजाइन वाइज मेरे को तो देखने में स्मार्टफोन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता यार, मैं सोचा था कि OnePlus Nord 2 का कुछ हम लोगों को अच्छा वर्जन देखने को मिलेगा डिजाइन में, कुछ ऐसा हो जाता तो मजा आ जाता, लेकिन भाई ऐसा डिजाइन तो आसपास भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि Realme 10 Pro Plus का थोड़ा सा डिजाइन कॉपी किया, वो भी सस्ते तरीके से। वैसे डिजाइन बहुत ही बेकार है अगर मैं सच बोलूं तो, अगर आप आगे से देखोगे तो फोन देखने में बहुत अच्छा लगेगा आपको, लेकिन बैक साइड से मजा नहीं आया। खैर बिल्ड वाइज बात कर लेते हैं, आपको ग्लास बॉडी देखने को मिल जाएगा जो 2.8D कर्व्ड होगा, मतलब कि बहुत ही अच्छा लगेगा हाथ में फोन को पकड़ोगे तो, और प्लास्टिक फ्रेम रहेगा आगे, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन, कोई भी IP रेटिंग नहीं होगा। अब चलो यार बात करते हैं इंडियन प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में, ये स्मार्टफोन कब तक इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, इसका क्या प्राइस हो सकता है, हम लोगों को वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो यार पहली बात, OnePlus Nord CE3 Lite ये OnePlus इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे लिस्ट हो चुका है, ये फोन बहुत ही जल्द हम लोगों को अप्रैल के मंथ में लॉन्च होता हुआ दिखाई दे देगा। ये अकेले लॉन्च नहीं होगा, रूमर्स ऐसे हैं कि इसके साथ OnePlus Nord 3 भी लॉन्च हो जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो अगले महीने हम लोगों को OnePlus Nord 3 देखने को मिल जाएगा, अदरवाइज जून तक का टाइम लग ही जाएगा। रूमर्स स्टार्टिंग में आए थे कि जून तक OnePlus Nord 3 लॉन्च होगा, लेकिन लॉन्च हो जाना चाहिए, 1-2 महीने के अंदर में ये लॉन्च हो जाएगा। प्राइसिंग की बात कर लें तो ये स्मार्टफोन आपको 30-35 हज़ार रुपए के आसपास दिखाई देगा, बेसिकली Vivo V27 का प्राइस देखे हो ना तो कुछ वैसा ही इसका प्राइस होगा, अच्छा ही प्राइस रखेगा, काफी अग्रेसिव प्राइस रखेगा। OnePlus अपने नंबर सीरीज के नॉर्ड फोन्स का प्राइस काफी अग्रेसिव रखता है, OnePlus Nord को देख लो, Nord 2T को देख लो, सब 30-32 हज़ार रुपए के आसपास ही टिके थे, तो इस बार भी वैसा ही होगा। अब रहा सवाल कि वेट करें कि नहीं करें, डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, नहीं तो भाई Vivo V27,
सैमसंग गैलेक्सी S21 FE, नथिंग फोन 1, ये तो ऑलरेडी है, इनके तरफ आप जा सकते हो। लेकिन इसके लिए रुकना चाहते हो तो रुको, मैं भी वेट करने का सोच रहा था इसके लिए, लेकिन अब मूड नहीं करता भाई। ये फोन मेरे को डिजाइन वाइज अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसके लिए वेट नहीं करूंगा। अब मैं पिक्सल 7A के लिए रुका हुआ हूं। वैसे यार आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि आप नॉर्ड 3 के लिए वेट कर रहे हो क्या। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मुझसे अगर आप बात करना चाहते हैं, मैं आपको इंस्टाग्राम ट्विटर पर मिल जाऊंगा @realsufyanxan। हमेशा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। Oh, oh, oh.